दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। तेज रफ्तार ऑडी कार के अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकराने से डीएम के विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा कोरा मंगला इलाके में मंगलवार सुबह लगभग 2 बजे हुआ। दीवार से टकराने के बाद कार पलट गई। बेंगलुरु ईस्ट डिवीजन के ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के एम शांता राजू के मुताबिक मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने होसुर विधायक वाई प्रकाश के इकलौते बेटे वाई करुणा सागर की भी मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हादसे पर दुख जताया है। दुर्घटना में ऑडी कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दुर्घटना के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वाहन चालक ने कहीं शराब तो नहीं पी थी। पहले खबर आई थी कि मृतकों में विधायक की बहू भी शामिल है, लेकिन परिजनों ने बताया कि विधायक का बेटा अविवाहित था। उसे हाई एंड कारों का और बाइकों का काफी शौक था। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।